हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग, गाड़ी की हालत तो आप लोगों ने देख ली है यार, ये बहुत दिन से खड़ी हुई थी भाई, मैं इतना कोई यूज़ कर नहीं रहा था और कपड़ा उस पर डला हुआ था, लेकिन वो ना कराची का मौसम इतना खुशगवार हुआ, इतनी अच्छी हवाएं चली कि वो जो कपड़ा है ना वो उड़ गया और फिर हल्की सी बारिश भी हो गई। फिर वो मिट्टी पर जब बारिश पड़ी है तो फिर वो इस तरह की गाड़ी की हालत हो गई है भाई। तो अभी जस्ट इसको मैं वॉश भी करवाता हूँ, दूसरा मैं एक अपनी रिमॉन के पास जा रहा हूँ, सिविक के पास जा रहा हूँ, गैरेज भी जा रहा हूँ। मैंने सोचा है उसको वॉश भी करवा लें, उसके बाद जो है वो जो गैरेज जाना है वो वाला काम भी कर लें। तो लेट्स सी। ये बस मैंने जो है ना शीशा साफ़ कर लिया है, अभी शीशे पे बिल्कुल पानी मारा है और ना बस पानी मारा है, कोई कपड़ा नहीं मारा, कुछ नहीं किया गाड़ी पे, क्योंकि जब गाड़ी पे इतनी मिट्टी हो ना तो ना इतना कपड़ा आपको मारना चाहिए ना वो सही रहता है, क्योंकि फिर वो जो है स्क्रैचेस ले आता है आपकी गाड़ी पे। तो सिर्फ मैंने जो है पानी मारा है भाई। ये वॉश पे दे दी हमने, सर्विस सेंटर पे वॉश पे दे दिए PSO के। हालत देख लो अभी इसकी, यार ज़ाहिर है कपड़ा हट गया था, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो खैर वॉश हो जाएगी तो फिर आता हूँ मैं इसके पास। माशाल्लाह देख रहे हैं भाई गाड़ी का लुक कैसा निकल के आ रहा है। अच्छा अभी इसमें पॉलिश होना बाकी है, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, विदाउट पॉलिश है ये, विदाउट रबिन पॉलिश है। अभी इसकी पूरी डिटेलिंग होगी, सब कुछ होगी, साइड मिरर भी मैंने कलर करवा लिए हैं, लेकिन गाड़ी का लुक देखें माशाल्लाह कैसा आ रहा है। माशाल्लाह बहुत जो है ना बेहतरीन लुक आ रहा है गाड़ी का, और ये गाड़ी साफ़ ही अच्छी लगती है भाई, सीधी सी बात है। ये मिरर चेक करें, ये मिरर भी मैंने कलर करवा दिया जैसे मैंने कहा था। छत जो है हमारी ब्लैक ही रहेगी, छत में छत को मैं नहीं छेड़ रहा भाई, बाकी जो है ना पीछे का मैं पेपर उतार रहा हूँ। और ये देखें पीछे से गाड़ी का लुक माशाल्लाह। अभी तो ये अंधेरे में खड़ी है तो मैं इसको ऐसे ही रफली दिखा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ना थोड़ी फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाला हूँ, ठीक है। और ये बैक से लुक देंगे माशाल्लाह, क्या लुक आ रहा है मेरा, तो यकीन करें दिल कर रहा है बस को मैं देखता रहूँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रही है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें साइड पॉश, अभी इसमें पॉलिशिंग रहती है, पॉलिशिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये पॉलिश होगी, एक बार दोबारा सर्विस होगी, डिटेल होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ अंधेरे में रफली दिखा रहा हूं मैं आपको, देख रहे हैं यहां का मिरर लगाना रहता है, क्योंकि लाइट यहां पे नहीं है, लाइट यहां से चली गई है भाई, इसलिए तो मिरर अभी तक नहीं लगाया। बाकी माशाल्लाह गाड़ी का लुक देख लें, रिम्स अल्हम्दुलिल्लाह इसके साफ़ ही थे, रिम्स को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कलर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना मैं रिम को भी कलर करवा लेता, लेकिन रिम को मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन माशाल्लाह जो गाड़ी का लुक आ रहा है, एक ये रिबॉन है, ठीक है, और फिर एक ये रिबॉन है, देख रहे हैं डिफरेंस। ये होता है चीज़ को संभालना, चीज़ को बनाना, चीज़ को अपने तरीके से रखने का जो होता है ना फ़ायदे, फिर ये होते हैं। गाड़ी तकरीबन कहने पे आए हैं तो 95% हमारी गाड़ी का काम भाई हो गया है, ठीक है भाई। और ये जो दरवाजे का डोर पैनल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो मिरर है ना वो लगाना है, वो कलर के लिए निकला था, तो वो लगाना है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लूँ तो गेम्स ऐसी हैं कि वो निकालना है वो लगाना है, और इसके बाद जो इंटीरियर क्लीनिंग का काम रह जाएगा। अलाइनमेंट अभी कराने में जा रहा हूँ, गाड़ी अभी गैरेज से निकलेगी भाई फाइनली कोई 10 से 12 दिन बाद आई थिंक, तो या इससे भी ज़्यादा दिन हो गए गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो अभी जो है वो यहाँ से हम जाएंगे, एसी भी थोड़ा सा ऑन कर लें। अच्छा जी, तो उम्मीद है भाई आपको ये मेरी व्लॉग की जो सीरीज़ चल रही है गाड़ी की रिबॉन की, वो आपको अच्छी लग रही होगी। बड़ी मेहनत की है भाई, बहुत जो है ना इसके पीछे भाग दौड़, बहुत टाइम इसके ऊपर लगाया मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का जो लुक आ रहा है वो आप लोगों को मैंने विदाउट जो है रबिन पॉलिश मैंने आपको लुक दिखा दिया कि गाड़ी का लुक कैसा आया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह निकल रहा है गाड़ी को देख के। तो ये गेम है भाई, अभी जो है वो आज ही इसका जो है ना गैरेज से आज इसको जो है ना फ्री कर देंगे हम, ठीक है ना। आज यहाँ से ये गाड़ी को बिल्कुल फ्री कर देंगे, ताकि बाहर के जो भी काम है इंटीरियर क्लीनिंग के वो हो जाएंगे, कल गाड़ी आपके भाई के पास आ जाएगी। फिर इसको इसके आगे के क्या प्लान्स होंगे वो तो आगे ही पता लगेंगे और मैं आगे ही बताऊँगा। तो आगे कामों को देखते हैं कैसे काम होते हैं, क्या होते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, इसकी अलाइनमेंट के लिए जा रहे हैं, बाकी इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लें और टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी गाड़ी की। तो मैंने कहा यार इसको टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं और इसकी जो है वो अलाइनमेंट है वो भी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी, अभी ये गाड़ी आगे वाली निकल रही है तो हम अपनी निकालते हैं और जो है वो देखते हैं गाड़ी की अलाइनमेंट कैसी और गाड़ी सस्पेंशन में और स्टेयरिंग रैक में अब क्या कह रही है, कितना मज़ा आता है चलाने में, लेट्स सी। अच्छा जी, मैंने गाड़ी अपनी निकाल ली है भाई,
गाड़ी हमारी जो कोरे है इसको मैंने सर्विस तो करवा लिया था, ये खड़ी है। तो अभी जो है ये पॉलिशिंग पे जा रही है, पॉलिश करवा रहा हूँ मैं इसे। मैंने सोचा इसको पॉलिश करवा लो, अब यहाँ आई है तो इसको पॉलिश भी हम करवा ही लें, क्योंकि इसका पॉलिश का वैसे ही पेंडिंग था, तो मैंने सोचा पॉलिश करवा लें। इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि गाड़ी क्या कह रही है। अच्छा जी, अलाइनमेंट वाले के पास हैं, गाड़ी अलाइनमेंट होने लगी है। ये एक मिरर जो है ना वो यहाँ पे मिस नज़र आ रहा होगा, ये मिरर जो है वो बन रहा है हमारा, मिरर हमारा तैयार हो जाएगा। बाकी जो है गाड़ी मारे माशाल्लाह लग रही है, आए हाय हाय, यकीन करें जो है ना दिल कर रहा है बस बंदा इसको देखता ही रहे, ऐसा दिल कर रहा है बस। ये अलाइनमेंट वगैरह का काम भाई हो रहा है, अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रोड पर लाने से पहले आपको अलाइनमेंट जो का काम है ना वो करवाना भाई बहुत ज़रूरी है। और ये बात है, और माइक जो है वो मैं दूसरी गाड़ी में भूल गया हूँ, तभी मैं माइक नहीं लगा सक रहा हूँ, लेकिन अलाइनमेंट जो है वो गाड़ी में करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर टांगें टेढ़ी हों तो आप चल सकते हो, नहीं चल सकते। अलाइनमेंट भी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत लाजमी चीज़ है कि अच्छा जी, मैं इसे पॉलिश करवा रहा हूँ, गाड़ी हो रही है हमारी पॉलिश, फिर जो है वो हसीन लगने के लिए तैयार होगी, क्योंकि धब्बे बहुत हो गए थे भाई इस पर, अभी भी शीशे पे नज़र आ रहे होंगे आपको इतने धब्बे। तो इस पर पॉलिश हो रही है, उस पर तो ऑलरेडी एक बार फिर से दोबारा पॉलिश होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारी गाड़ियां जो है वो एक साथ खड़ी हैं, और ये जो है ना इसकी तो क्या ही बात है, मतलब दिल कर रहा है इसको बार बार ही बंदा देखो। अच्छा, गाड़ी सर्विस तो मैंने करवा ली थी, लेकिन बात ये कि इसके बाद भी इस पर धब्बे बहुत थे, तो मैंने बोला यार इसको पॉलिश ही करवा लो, पॉलिश सही होगा कि जो क्योंकि अगर वो आप सर्विस वालों के पास अगर धब्बे वाली गाड़ी ले जाओगे ना तो वो इसका मज़ा इसका सीन ये होगा कि वो कर देंगे आपकी गाड़ी में स्क्रैच, वो जो स्क्रैच कर देंगे ना तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी का कलर हो जाएगा ख़राब। तो वो कलर ख़राबी से बचाने के लिए ये बेटर है कि आप जो है वो पॉलिश ही करवा लो, ना कि जो है ना ये काम करवाओ उनसे जो है वो रगड़ाओ, उससे बेहतर ये है कि आप जो है पॉलिश करवा लो। तो बाकी अलाइनमेंट का काम हमारी गाड़ी का मुकम्मल हो चुका है, हमारी गाड़ी जो है अलाइन हो चुकी है, मतलब अब रोड पे सीधी चलेगी, अगर टेढ़ी पेढ़ी नहीं होगी सीधी चलेगी, अलाइन होकर चलेगी गाड़ी, ठीक हो गया भाई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का काम, अब ये पीछे जो पड़ा हुआ है बस इसका काम रहता है, अब ये जो है वो दरवाजे में जो है पैनल का काम है ये भी आखिरी अगरी का, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आज के व्लॉग में अभी इतना ही, देखते हैं अगर मैं आगे कोई शॉर्ट्स मिलते हैं, आगे कुछ काम होता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाकी जो भी होगा आप अगले व्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि बस अगला व्लॉग आखिरी होगा इस गाड़ी को लेके हमारा, क्योंकि इंटीरियर क्लीनिंग हमारी आखिरी हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी में कुछ बचना नहीं है, ठीक है। फिर इसके सिनेमैटिक्स लेंगे, आज आपने गाड़ी को देख ही लिया है माशाल्लाह कितने लुक में आ रही है, जब इसके सिनेमैटिक्स में बनाऊँगा तो जो असल लुक आएगा गाड़ी का फिर आएगा इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी गाड़ी भी आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। गाड़ी की जो शाइन है हमारी वापस आने लगी है भाई, माशाल्लाह आप ये देख रहे हो पॉलिश होती है, लेकिन अभी जो ऊपर का हाल है ये भी कपड़ा लग रहा है, अभी कपड़ा लगने के बाद जो ऊपर का हालात भी हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन ये देख रहे हो जिस निशानात की बात कर रहा था ये निशानात हो चुके हैं, और इस पर कपड़ा कभी नहीं मरवाना, गलती हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएंगे अगर कपड़ा कभी भी आपने मरवाया। भैया मिरर हमारा लग जाएगा तो गाड़ी हमारी यहाँ से हो जाएगी कम्प्लीट, वो पैनल जो अंदर पड़ा हुआ वो पैनल भी यहाँ पे लग जाएगा। और ये तो अभी पॉलिशिंग का काम इसका चालू है, पॉलिश हो ही रही है, तो मैं तो उसी को लेके जाऊँगा फिलहाल, इसको यहीं छोड़ेंगे फिलहाल, क्योंकि इसको इंटीरियर क्लीनिंग पे भेजना है, आज रात को चली जाएगी तो कल हमें जो है इंटीरियर क्लीनिंग करके गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा जी, तो गाड़ी हमारी जा रही है भाई डिटेलिंग पे, और नासिर को दे दिया मैंने, मैंने कहा यार तू इसको डिटेल पर ले जा, अभी मैंने कहा यार ये वाली हमारे पास है, तो मैंने कहा इसको हम तो घर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी जा रही थी मैंने कहा दिखा दूँ, देख रहे हैं, लेकिन ये शीशा बहुत ख़राब है तो सोचा थोड़ा गंदी नज़र आ रही होगी तो शीशे की वजह से, बाकी साइड से दिखाते हैं बाइक वाले बस हमें थोड़ा सा आसरा दे दें, जगह दे दें,
देख रहे हैं आप, अलग ही फील आ रही है गाड़ी की। कपड़ा भी लगाया हुआ है उस आदमी से। We'll be right back.